राजधानी रांची में एक तरफ झमाझम बारिश हो रही थी और उसी बीच 24 घंटे के अंदर एक वकील और उसके बाद स्पेशल ब्रांच के एक दारोगा की हत्या ने पूरे पुलिस महकमे में खलबली मचा दी, जिसको लेकर डीजीपी अनुराग गुप्ता भी सड़कों पर दिखाई दिए। और अब सरकार की तरफ से विधायक राजेश कच्छप पहुँचे हैं, स्पेशल ब्रांच के दारोगा अनुपम कच्छप के घर पीड़ित परिवार से मिले हैं और न्याय का आश्वासन दिया गया है। क्या बताया है पीड़ित परिवार ने, क्या जानकारी निकल कर सामने आई है? क्योंकि इसमें लगातार पुलिस महकमा जो है वो तो जांच कर ही रहा है और खोजा जा रहा है, जो अपराधी हैं उनकी तलाश की जा रही है, जो पार्टी हुई थी उसके बारे में भी कहा जा रहा है कि सभी से बुलाकर पूछताछ की गई है। परिवार से मिलकर क्या बातचीत हुई है? देखिए, निश्चित तौर से जो घटना हुई है, खूनहार का जान चला गया जी। देश का, राज्य का एक भविष्य था, और जिस प्रकार से परिवार के जनों से बातचीत में पता चलता है, जिस एग्ज़ाम को भी वो टच करता था वहाँ क्वालिफाई करता था। इससे पहले उत्पाद विभाग में भी वो क्वालिफाई किया था। इधर जो दरोगा जो है 19 बैच का जो दरोगा है 18 बैच के, उसको क्वालिफाई किया। देखिए, मैं सरकार तो गंभीर रहती ही है, सरकार हत्याएं नहीं करवाती है, लेकिन हत्या के बहुत सारे कारण हैं। लेकिन ये अनुपम कच्छप की जो हत्या हुई है, इस पे कारण समझ में नहीं आ रहा है। वकील की हत्या, वकील का जो हत्या हुआ उसमें समझ में आया मुठभेड़ हुई है कि वो उनको पिटवाया, जो उनका जो एलिगेशन जो लग रहा है, तो उससे बदला लेने के लिए वो किया। लेकिन जो अनुपम कच्छप का जो हत्या हुआ, ये दोस्तों के बीच में एक बहुत सारे जो बैचलर होते हैं, अमूमन पूरे देश का एक फैशन चला होता है कि एक पार्टियां चलती हैं कि दोस्त कहीं पे जॉब कर रहा हो या बहुत दिन के बाद उसको टाइम मिला हो तो 10 दोस्त को बुला लिया, कॉलेज के फ्रेंड्स को या जो उनके फ्रेंड्स हैं उसको बुला करके लोग पार्टियां करते हैं। अनुपम का भी सेम चीज़ था, 8-10 लोग जो हैं कि उनके बहुत सारे बेरोजगार दोस्त भी हैं, ये नौकरी कर रहा था, उसमें पार्टियां चलती है, और पार्टी के बाद अचानक से इस प्रकार का, सब कुछ ठीक ठाक होने के बाद में अचानक से हत्या होना, ये प्री प्लानिंग तो लग नहीं रहा है, लेकिन जिस प्रकार से उस पर प्रहार किया गया है, गोलियां मारी गई हैं, वो व्यक्तिगत खुंडस को दिखा रहा है। अगर गलती से होता तो एक आध गोली मारा जा सकता था, लेकिन ये लगातार 2-3 गोली मारना, ये मुझे लगता है कि वो घात लगाए बैठे लोग होंगे। तमाम बिंदुओं पे पुलिस चर्चा करे, मैं भी एक मैसेज तो ये गया है ना कि क्या इस सरकार में पुलिसकर्मी भी सुरक्षित नहीं है, और एक आदिवासी परिवार का एक लड़का अब पदाधिकारी बना। पुलिसकर्मी रहे या कोई आम जन रहे, घर ड्यूटी के बाद में, घर आने के बाद लोग आम जन हो जाते हैं, परिवार के बीच जाते हैं तो पुलिस का रौ वो नहीं दिखाते हैं। किसी घर में या किसी मोहल्ला में वो जाते हैं तो पुलिस का रौब नहीं दिखा, वो आम जन हो जाते हैं। और अनुपम का जहाँ पे जो भी उनके साथ में, सामने जो दोस्तों के साथ में जो चाय पानी का जो रहा, पार्टियाँ हुई, वो पुलिस का वो रौब नहीं था, पुलिसीय कार्यशैली वो नहीं थी, वो एक पारिवारिक और दोस्ताना कार्यशैली था। इसको आप पुलिस का एंगल से, पुलिस या आम आदमी पे इसको विभाजन नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे मैं दो ही चीज़ कह सकता हूँ कि हत्याएं पहले भी होती रही हैं, लेकिन अभी जो ये हत्या हुई है इसके कारण बहुत सारे बन रहे हैं। नशापान का भी एक, ड्रग्स का भी एक होता है कि बहुत सारे जो है कि जगह ज़मीन का होता है, प्यार मोहब्बत का भी हत्याएँ हुई है। अनुपम में कोई ये चीज़ दिख नहीं रहा, ना जगह ज़मीन का झगड़ा है, ना प्रेम मोहब्बत है, ना ही आपका किसी के साथ में मतभेद है। एक सिंपल सा, एक आम जो है कि आम जीवन जो जी रहा। परिवार में भी जिम्मेदारियां संभालने वाला, परिवार में भी जिम्मेदारी, परिवार के लोग बता रहे हैं कि कुछ भी होने पर सबसे पहले अनुपम पूरा फुल टाइम, चूँकि बैचलर था, फुल टाइम परिवार को देता था। 5 साल नौकरी हो गए थे, लेकिन भी वो फिर आगे कोई बड़े अधिकारी बनने का ख्वाहिश रखता था, इसीलिए शादी नहीं किया था। और जो पता चल रहा है माँ बाप से कि आने वाला दिन में सिर्फ इन लोगों को इतना ही मलाल है कि आखिर कारण क्या था, परिवार के लोग ये जानना चाह रहे हैं।
कारण तो पुलिस तफ्तीश के बाद ही पता चलेगा। निश्चित तौर से मैंने आला अधिकारियों से भी बात किया है, आपको बहुत जल्द हर बिंदु पे, चाहे जितना भी अपराधी साथी हो, पुलिस रांची पुलिस झारखंड पुलिस उसको दबोचेगी और परिवार के सामने परिवार को न्याय दिलाएगी और कारण क्या है वो भी आपके सामने आ जाएगा। तो एक पुलिस वाले का परिवार इस वक्त मातम में है, चूँकि जवान बेटा जो है उन्होंने खोया है और इसी से मिलने के लिए कांग्रेस के विधायक राजेश कच्छप पहुँचे। एक आदिवासी परिवार का लड़का बड़ा होनहार स्पेशल ब्रांच में पोस्टेड थे अनुपम कच्छप, और उनके बारे में जो परिवार के लोगों ने बताया कि बहुत सारे सरकारी एग्ज़ाम्स भी उन्होंने निकाले हैं और पुलिस में नौकरी होने के बाद भी और भी एग्ज़ाम्स वो लगातार और भी परीक्षाएं देते रहते थे और शादी नहीं की थी। उनका मन था कि आगे भी जो है इससे बेहतर जगह को हम तैयारी करके हासिल करेंगे और इसीलिए उन्होंने शादी में देरी की हुई थी, लेकिन इस बीच ये घटना हो जाती है। जिस वक्त रांची में झमाझम बारिश हो रही थी दो दिनों पहले, तभी ये खबर आई कि रात में पार्टी करने गए थे अनुपम कच्छप जो स्पेशल ब्रांच में दरोगा थे, और सुबह उनकी लाश जो है वो कांके थाना क्षेत्र से बरामद होती है और वहाँ के प्रभारी पर भी कार्रवाई हो गई है। इस केस को लेकर जो DGP अनुराग गुप्ता है, नए नवेले झारखंड के DGP हैं, उन्होंने भी कड़ा रुख अख्तियार किया है, अपने विभाग को भी सीधा कह दिया है कि आप अपनी कार्यशैली सुधारें, और यही वजह है कि इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। रांची में लगातार बढ़ते अपराध को लेकर इस वक्त सुर्खियां लगातार बन रही है। राजेश कच्छप जो कि कांग्रेस के विधायक है पहुंचे पीड़ित परिवार से मिलने, अनुपम कच्छप जो कि मृत दारोगा हैं उनके परिवार से उन्होंने बातचीत की है और न्याय का भरोसा दिया है। बने रहिए द फॉलोअप के साथ, नमस्कार। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF। द फॉलोअप डॉट इन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब www.thefollowup.in।